हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डाफिट एप्लीकेशन का यूज़ बताने वाला हूँ, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, डाफिट स्मार्ट वॉच को फ़ोन से कनेक्ट करने का काम करता है, तो आप अपने स्मार्ट वॉच टोटली कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। और डाफिट एप्लीकेशन को यूज़ करने से आपका जो स्मार्ट वॉच है उसमें आप एक्स्ट्रा वॉच फेसेस को ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, एंड आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो डाफिट एप्लीकेशन फायरबोल्ट एंड एम्ब्रेन भी सपोर्ट करता है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे यूज़ किया जाता है, एंड आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंड आप कैसे अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ एंड आपको आगे की सारी चीज़ें आसानी से बताता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस है मेरे स्मार्टफोन का, तो मैं डाफिट एप्लीकेशन को पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाफिट एप्लीकेशन है, इसको मैं होम स्क्रीन पर रख देता हूँ। एंड तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद आप पहली बार अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा जिसको आपको ओके कर देना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पहला इंटरफेस यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने स्मार्ट वॉच को पहने हो एंड स्टेप्स जो आप मतलब ट्रैक करने वाला फीचर होता है ये यहाँ से आपको शो करेगा। आप मतलब स्मार्ट वॉच में भी तो देख ही सकते हो, बट यहाँ पे अभी आप आसानी से सारी स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हो, एंड स्लीप को ट्रैक कर सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो, बीपी मॉनिटर कर सकते हो, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हो, एंड अगर कुछ स्पोर्ट मोड्स आपने इनेबल किया तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मतलब स्मार्ट वॉच में जितने भी फीचर्स हैं ना वो सारी टोटली चीज़ें आप अपने फ़ोन में भी कंट्रोल कर पाओगे। आप अगर स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर लेते हो तो आपके बाद ये सारे कंट्रोल आपके फ़ोन में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे आपको ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंड इसके बगल वाले में आपको आ जाना, जैसा कि मैंने फायरबोल्ट वाला स्मार्ट वॉच कनेक्ट किया था। एंड मैं फायरबोल्ट जब भी ब्लूटूथ ऑन कर दूंगा ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट हो जाता है। एंड एम्ब्रेन का वॉइस रूम जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट हो जाता है, मतलब कनेक्टिविटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी कनेक्टिविटी फास्ट है दोनों ही स्मार्ट वॉच की। एंड यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉच फेस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको 5-6 आपको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली, बट अगर आप मोर वॉच फेसेस पे नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको 100+ या 150+ वॉच फेसेस देखने को मिलता है, जिसको आप डाउनलोड कर इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपके स्मार्ट वॉच पे जैसे कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 फेसेस अभी लोड है फायरबोल्ट वाले में ना, तो ये एक रिमूव हो जाएगा एंड आपको जो भी डाउनलोड करेगा वो नेक्स्ट वाला ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो जिन भी एप्लीकेशन को आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे वो सारे नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि व्हाट्सअप का ऑन कर दिए तो व्हाट्सअप पर कोई मैसेज आएगा तो आपके स्मार्ट वॉच पर आपको पता चल जाएगा एंड आप उसको पढ़ भी सकते हो। एंड तीसरा ऑप्शन है अलार्म का। अलार्म अगर आप यूज़ करते हो, अलार्म आप लगाना चाहते हो तो स्मार्ट वॉच में भी अलार्म लगा सकते हो, वाइब्रेट करने लगा एंड आपको जगा देगा। एंड यहाँ पे शटर को आपको पता ही होगा, कैमरा को अगर आपको फोटो वोटो खींच रहा है तो आप फ़ोन से भी खींच सकते हो, नहीं तो अगर आपका स्मार्ट वॉच जो है वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। एंड फेवरेट कॉन्टेक्ट को यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, आप जिन भी 10 लोगों का या 8 लोगों का कॉन्टैक्ट ऐड करते हो वो आपका हमेशा आपके स्मार्ट वॉच में रहेगा। एंड तो इमरजेंसी में आपको जब भी फ़ोन नंबर का ज़रूरत पड़ेगा तो आप स्मार्ट वॉच से अपने देख सकते हो। एंड अदर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइंड डिवाइस, आपका ब्लूटूथ अगर कनेक्ट रहेगा तो आप अपने फ़ोन को भी मतलब अगर रेंज में रहेगा तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, जैसे रखने के बाद आप भूल जाते हो कहाँ रखा है तो इससे आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। एंड टाइम फॉर्मेट देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता ही होगा कि एक टाइम फॉर्मेट देख सकते हो। यूनिट सिस्टम यहाँ पर है, डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन देखने को मिला है, रिमाइंडर टू मूव, कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, इसको आप क्लोज रखो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा अगर इसको आप ऑन करोगे या 5-10 मिनट ऐसा वैसा करोगे तो। एंड बैटरी सेविंग का फीचर आपको देखने को मिलता है, तो बैटरी सेविंग को भी अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी बैटरी बच जाएगी, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी चलती है बट यहाँ पे भी बच जाएगी। एंड ऑटो लॉक का फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बेसिकली गाइस यही है कि आप जब भी वॉच को टाइम देखने के लिए करते हो ना डायरेक्टली ऑन हो जाता है, आपका वो बटन की दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो यही क्यू क्यू है, इसको अगर आप कर दोगे तो बार बार आपको बटन को दबा कर ही टाइम चेक करने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, आप वाटर को ड्रिंक करना चाहते हो उसके लिए रिमाइंडर लगा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो ज़्यादा काम के नहीं हैं। एंड आपको थर्ड वाली ऑप्शन पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी प्रोफाइल बनाना है, आपको आपका स्ट्रिप ट्रैकर है उसका आप गोल सेट कर सकते हो कि कितना ट्रैक करने के बाद आपको मतलब अचीवमेंट मिल जाए, तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देता है कि आप 4000 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप 8000, 10000 जितना भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं।
एंड और नीचे गूगल फिट एंड अबाउट सेशन है जो कि काम करेंगे आपके। एंड प्रोफाइल पे जाके आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो आप उसके बाद, ये तो आपको पहले ही जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज़ें फिल करना ही पड़ेगा। तो ये गाइस था डाफिट एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं क्या जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।